गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने फ्राइडे को लेसन कंप्लीट रीड कर लिया था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज पार्ट ए, देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स। एमसीक्यूज हैं हमारे। सबसे पहले फर्स्ट है, वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन। हम वूलन के कपड़े पहनते हैं। कब पहनते हैं स्टूडेंट्स? विंटर में, समर में, रेनी सीजन में। कब पहनते हैं? यस, विंटर में। वूलन क्लॉथ्स विंटर में हम पहनते हैं। ओके, सेकंड है, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक डैश। सिल्क और वूलन के कपड़े हैव टू बी प्रोटेक्टिव, उनकी रक्षा की जानी चाहिए कौन से कीड़ों से? सिल्क और वूलन के कपड़ों को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, किससे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, कौन से कीड़ों से किया जाना चाहिए? हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, मॉथ। यस, कौन से? मॉथ। ओके, देखिए आपको पिक में दिखाई दे रहा होगा, ये मोस्टली कपड़ों के अंदर हो जाते हैं, वूलन क्लॉथ्स में या सिल्क क्लॉथ्स में। जब हम उन्हें पैक करके रखते हैं तो उसके अंदर हो जाते हैं। अगर हम उसके अंदर ड्राई नीम लीव्स या फिर नेप्थालीन बॉल्स नहीं डालेंगे तो क्या कर देते हैं? कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। ओके, आगे देखिए, थर्ड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन सा है? वूल, पॉलिएस्टर, नाइलॉन। पॉलिएस्टर और नाइलॉन क्या है? ह्यूमन मेड है, ये मनुष्य द्वारा बनाए गए फाइबर है। तो वूल किससे मिलती है हमें? एनिमल से, शीप से, शीप। ओके, भेड़ से प्राप्त होती है हमें वूल। दैट मींस वूल ही हमारा नेचुरल फाइबर है। ओके, थर्ड का आंसर आएगा ए, नेचुरल वूल। फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कैप्ट इन बिटवीन वूलन क्लॉथ्स टू कीप इंसेक्ट्स अवे। वूलन का कपड़ों को बचाने के लिए उनके बीच में क्या रखना चाहिए? परफ्यूम, नेप्थालीन बॉल्स, सैंड बॉल्स। आंसर आएगा नेप्थालीन बॉल्स, फिनाइल की गोलियां रखनी चाहिए हमें। ओके, आगे देखिए, पार्ट बी है स्टूडेंट्स, फिलिप्स हैं हमारे। फर्स्ट है, क्लॉथ्स डैश अस फ्रॉम कोल्ड रेन एंड डस्ट। क्लॉथ्स क्या करते हैं हमारी? हार्म पहुंचाते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं हमें, रक्षा करते हैं? क्या आएगा इसका? प्रोटेक्ट। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड रेन एंड डस्ट। सेकंड है, वी वियर डैश इन रेनी सीजन। हमें रेनी सीजन में कपड़े कौन से पहनने चाहिए? क्या पहनना चाहिए? रेनकोट्स, कॉटन क्लॉथ्स। यस, रेनी सीजन में क्या पहनना चाहिए? रेनकोट्स। थर्ड देखिए, डैश इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? सिल्क, नाइलॉन। सॉरी स्टूडेंट्स, ये सिल्क पर लग गया है, नाइलॉन आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? नाइलॉन, क्योंकि सिल्क तो हमें नेचुरल फाइबर है ना, एनिमल से मिलता है। सिल्क किससे प्राप्त होता है हमें? सिल्क वॉर्म से, सिल्क नाम के एक कीड़े से हमें सिल्क प्राप्त होता है जिससे हम सिल्क कपड़ा बनाते हैं। ओके, और नाइलॉन सिंथेटिक फाइबर है जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। ओके, दैट मीन्स नाइलॉन सिंथेटिक फाइबर है। फोर्थ देखिए, फॉर प्रॉपर केयर ऑफ क्लॉथ्स वी शुड ऑलवेज यूज़ अ गुड क्वालिटी। क्लॉथ की प्रॉपर केयर के लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्या यूज़ करना चाहिए अच्छी क्वालिटी का? डिटर्जेंट, टेलर। यस, क्या आएगा? डिटर्जेंट, मतलब कपड़े धोने के लिए हमें अच्छा डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए। ओके, पार्ट सी स्टूडेंट्स, आपको खुद से करना है। देखिए यहाँ पर भी पिक दिखाई गई है, आप खुद राइट कर सकते हैं। ओके, आपको खुद राइट करना है इनको। ओके, डी पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू थिंग्स यूज टू बी कीप इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम क्लॉथ्स। उन दो चीज़ों के बारे में लिखिए जो कपड़ों को कीड़ों से दूर रखता है, ड्राइड नीम लीव्स एंड नेप्थालीन बॉल्स। ओके, सेकंड है, विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड बी गिवन फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के लिए हमें कौन से कपड़े देने चाहिए? डेलिकेट एंड एक्सपेंसिव वूलन एंड सिल्क क्लॉथ्स, जो बहुत ही
नाजुक और महंगे कपड़े होते हैं वूलन और सिल्क के, उन्हें हमें ड्राई क्लीनिंग के लिए देना चाहिए. ओके, नेम टू इंसेक्ट्स दैट हार्म द सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स. दो ऐसे इंसेक्ट्स का नाम लिखिए जो वूलन क्लॉथ्स को हार्म नुकसान पहुंचाते हैं. कौन से हैं? मोथ एंड सिल्वर फिश. ओके, तो हमारे स्टूडेंट्स पार्ट डी तक हम कर रहे हैं आज. पार्ट एफ, ई और एफ हम नोटबुक में राइट करेंगे. आपको ये पार्ट डी तक अच्छे से बुक में ही करना है एंड लर्न करना है. ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. टेक केयर.